नेक्स्ट टॉपिक इज नर्वस सिस्टम ऑफ अ पिजन। जो पिजन का नर्वस सिस्टम है दैट कंपोज ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन होता है दैट इज फर्स्ट रीजन एंड इनमें इसमें जो डेवलपिंग ऑर्गन होते हैं देन जो हमने बैट में पढ़े थे उनसे जो डेवलपिंग ऑर्गन है दैट इज कि यहाँ पर जो ऑप्टिक लोब होंगी दैट आर वेल डेवलप्ड, ठीक है, एंड ओल्फैक्टरी लोब्स होंगी वो क्या होंगी, रिड्यूस फॉर्म में होंगी। देखो ये जो ओल्फैक्टरी लोब्स होंगी वो क्या होंगी, रिड्यूस फॉर्म में, बट जो ऑप्टिक लोब होंगी दीज आर वेल डेवलप्ड, ठीक है, एंड यहाँ पर जो कॉर्पोरल स्ट्रेटा है वो भी क्या होंगी, वेल डेवलप होंगी, ठीक है, एंड यहाँ पर जो सेरिबेलम होगा, ठीक है, ये क्या होगा, वेल डेवलप होगा, ठीक है, एंड इसका जो साइज होगा वो इंक्रीज होगा और पोन्स वेराला यहाँ पर क्या हो जाएगा, परजेंट हो जाएगा, ठीक है, जो हमने प्रीवियस पढ़ा उसमें क्या था, एब्सेंट था, ठीक है। ब्रेन जो ब्रेन का साइज होगा दैट इज लार्ज, ठीक है, एज कंपेयर टू बॉडी साइज एंड इट इज प्रजेंट इन कैरिनल कैविटी, ठीक है, कैरिनल कैविटी कहाँ प्रजेंट है, इन दिस स्कल, ठीक है, एंड जो ब्रेन होगा यहाँ पर टू प्रोटेक्शन कवरिंग होंगी, यहाँ पर जो पी आर किनोइड एंड ड्यूरा मैटर, ये क्या होंगी, टू प्रोटेक्टिव कवरिंग होंगी, ठीक है। ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को कहेंगे प्रोसेंसेफलोन, मिड ब्रेन को मेजेंसेफलोन और हाइंड ब्रेन को रोमन सेफलोन, ठीक है। अब जो फोर ब्रेन में जो प्रोसेंसेफलोन में जो पार्ट आएंगे दीज आर थ्री पार्ट, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज ओल्फैक्टरी लोब, ये क्या होंगे, रिड्यूस फॉर्म में पर जेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि जो पिजन होते हैं फ्लाइंग पर डिपेंड करते हैं, ये स्मेल पर लेस डिपेंड करते हैं, इसलिए जो ओल्फैक्टिव बल्ब होंगे दैट आर स्मॉल साइज, ठीक है, एंड ये कहां पर प्रेजेंट होंगे, इन द एंटीरियर पोर्शन, ठीक है। सेकेंड पोर्शन दिस इज सेरेब्रल, ठीक है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दीज आर टू इन नंबर, ठीक है, एंड इनको जो सेपरेट कर रहा है टू सेरेब्रल को, मींस टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर में दैट इज सेरेब्रल फिशर्स, ठीक है, ये क्या है, डोर्सल व्यू, ठीक है। थर्ड जो पोर्शन है इसका दिस इज डायनसेफलोन, ठीक है, डायनसेफलोन कहां पर प्रेजेंट है, दिस इज डायनसेफलोन पोर्शन, ओके, और ये जो ऑर्गन है मींस डायनसेफलोन है ये कवर है बाय जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उससे कवर है, एंड जो डायनसेफलोन है वहां पर एक कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है, और उस कैविटी को क्या बोला जाता है, थर्ड वेंट्रिकल या डायोसीन, ठीक है। सेकेंड जो पार्ट है ब्रेन का दैट इज मिड ब्रेन, टू पार्ट से कंपोज है, दैट इज ऑप्टिक लोब, ऑप्टिक लोब क्या होती है, वेल डेवलप होती है, एंड सेकेंड इज कुरकुरा सेरेब्रम, ठीक है। जो ऑप्टिक लोब होती है ये मेनली हेल्प करती है इन द विजन, एंड जो कुरकुरा सेरेब्रम होती है दैट मेंटेन द इक्विलिब्रियम बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। नेक्स्ट जो रीजन आता है दैट इज हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन के मेनली थ्री पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज सेरेब्रम, सेकेंड इज मेडुला ओब्लिगेट एंड थर्ड इज पोन्स वेरल। इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं, ठीक है, जो कि हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, सेम ही इनके फंक्शंस आएंगे। एंड हिस्टोलॉजी ऑफ ब्रेन की क्या होती है, ये कंपोज होता है ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर से, ठीक है, ये डिफरेंट रीजन में ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर डिफरेंट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है। देखो ये हो गया थर्ड रीजन दैट इज सेरिबेलम, ठीक है, एंड दिस इज मेडुला ओब्लिगेटा एंड दिस इज वर्मिस। इसके बाद जो आएगा दैट इज स्पाइनल कोड, ठीक है, स्पाइनल कोड अलोंग दी वर्टिब्रल कोलम चलेगा, ठीक है, बट इसमें जो ब्रैंकियल एंड ल्यूमर है उसका जो साइज होगा दैट इज लार्ज एज कम्पेयर टू द अदर वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट आएगा सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन में जो फर्स्ट ऑर्गन होगा दैट इज आई, और आईज में यहाँ पर आई की थ्री मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी, एक आउटर, एक इनर और एक होगी निकटेक्टिंग मेम्ब्रेन, जिसका फंक्शन होगा दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ आई। एंड जो पिजन के आईज में टू ग्लैंड प्रेजेंट होंगे, दिस इज हार्डेनियन ग्लैंड एंड लैक्रिमियल ग्लैंड। हार्डेनियन ग्लैंड का सिक्रीशन होगा दैट इज ऑयली, बट जो लैक्रिमियल ग्लैंड का सिक्रीशन होगा दैट इज टीयर, दिस इज एल्केलाइन वाटर फ्लूइड, ओके। एंड इनमें जो डिफरेंस है दैट इज कि पिजन के पास डबल मोड ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन होते हैं, ठीक है, एंड ये क्यों होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू टाइप ऑफ सीलरी मसल्स। जो सीलरी बॉडी होती है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, टू टाइप की सीलरी मसल्स प्रेजेंट होती है, इसलिए इसकी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है दैट इज डबल, ओके। जो आईज होती है उसके पास थ्री लेयर होती हैं, जो फर्स्ट होती है दैट इज फाइब्रस टूनिका, ठीक है, जो आउटर लेयर होती है एंड ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होती है दैट इज कॉर्निया एंड स्क्लेरोटिस, ठीक है। जो सेकंड होती है दैट इज यूविया या वेस्कुलर कोट, ठीक है, एंड इसके भी टू पार्ट्स होते हैं दैट इज कोरोइड, ठीक है, एंड सीलरी पार्ट, ठीक है।
एंड सिली पार्ट में फॉलोइंग कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज क्रैम्पटोन मसल्स, ब्रुक्स मसल्स, रेडियल पार्ट, स्पिंक्चर मसल, डायलेटर मसल्स, एंड इनका फंक्शंस होता है जो लेंस होती है उसकी जो साइज को क्या करना मींस रेगुलेट करना, ठीक है। जो थर्ड लेयर होती है दैट इज रेटिना या ट्यूनिका नर्वोसिस, ठीक है। ये जो पार्ट होता है यहाँ पर मेनली इमेज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। दिस इज सेंसिटिव टू लाइट, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्टिकल पार्ट होता है, ठीक है। एंड ऑप्टिक पार्ट में टू टाइप की जो सेल्स प्रेजेंट होती है दैट इज रोड्स और कोन, ठीक है। जो रोड होंगी उनको बोलेंगे रोडोप्सिन, जो कोन होंगी उनको बोलेंगे एडोप्सिन। जो रोड होगी दैट आर सेंसिटिव टू डिम लाइट एंड जो कोन होंगी दैट आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट, ठीक है। एंड यहाँ पर टू स्पॉट प्रेजेंट होंगी, येलो स्पॉट एंड ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। येलो स्पॉट यहाँ पर क्या होगी दैट इज फोविया सेंट्रल्स, यहाँ पर क्या होगी इमेज की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। एंड ब्लाइंड स्पॉट क्या होगा दैट इज इनसेंसिटिव टू लाइट, ठीक है। एंड ये क्या है ऑप्टिक नर्व्स, जो भी इमेज की मीन्स जो भी स्टिमुलाई आएंगे उनको थ्रू ऑप्टिक नर्व कहाँ पर पहुंचाएंगे ब्रेन के पास, और ब्रेन क्या करेंगे मैसेज को रीड करेगा, ठीक है। एंड इमेज की फॉर्मेशन होगी वहां पर, एंड जो अदर ऑर्गन होंगे दैट इज सिलरी पार्ट, ठीक है। सिलरी पार्ट्स कौन सा होगा दैट इज दिस पोर्शन इज सिलरी पार्ट, मीन्स सिलरी बॉडी क्या किसकी फॉर्मेशन करेंगे सिलरी पार्ट की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट रीजन इज आई रेडियल पार्ट, दिस रीजन इज ये क्या है आयरिस है, ठीक है। एंड दिस इज प्यूपिल, ठीक है। एंड दिस इज लेंस, ठीक है। ये क्या करेंगे रेगुलेट जो प्यूपिल है दैट रेगुलेट द कि हाउ मच लाइट एंटर इन टू द आई, ओके। एंड दिस इज एक्वस चैम्बर, ठीक है। एंड ये क्या ये यहाँ पर जो फ्लूड फिल होगा दैट इज एक्वस ह्यूमर, ठीक है। एंड दिस इज विट्रस चैम्बर, एंड यहाँ पर जो फ्लूड फिल होगा दैट इज विट्रस ह्यूमर, ओके। एंड यहाँ पर देखो दिस इज सिलरी मसल्स, ठीक है। एंड ये जो सिलरी मसल्स होंगी दैट इज टू टाइप, ठीक है, ब्रुक्स मसल्स एंड क्रैम्पटोन मसल्स, ठीक है। यहाँ इसलिए यहाँ पर टू टाइप की सिलरी मसल्स है, इसलिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर है डबल पावर ऑफ अकोमोडेशन, ओके। नेक्स्ट सेंसिटिव ऑर्गन दैट इज ईयर, एंड ईयर का जो वर्क है दैट इज हियरिंग एंड स्टेटो रिसेप्टर, ओके। देखो जो ईयर है, ठीक है, इसका मेन फंक्शन है दैट इज हियरिंग एंड बैलेंसिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर जो एडवांसमेंट हुई है मीन्स एडेप्टेशंस जो हुई है दैट इज कि सबसे पहले जो एडवांसमेंट हुए यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। एंड सेकेंड है जो स्टेप्स है, ठीक है, ईयर ओशिलस इज बोनी, ठीक है। जो स्टेप पार्ट है वो कैसा है बोनी है, ठीक है। एंड जो पैरा लेगिना इज मॉडिफाइड टू क्लोइकलर डक, ठीक है। जो पैरा लेगिना था इन रेप्टाइल्स में वो किसमें कन्वर्ट मीन मॉडिफाई हो गए इनटू क्लोइकलर डक्ट, बट इज नॉट क्वाइल इन मैमल्स, ठीक है। बट ये जो क्लोइकलर डक्ट है यहाँ पर कैसा है क्वाइल है, बट जो मैमल्स में होगा दैट इज नॉट क्वाइल, ठीक है। एंड जो मैक्यूला बेसिलर्स थी किसमें डिफ्रेंशिएट हो गया दैट इज इन ऑर्गेनोकोर्टाइल, ठीक है, ठीक है। बट जो मैक्यूला लेगिना था स्टिल प्रेजेंट, सो सेंस ऑफ हियरिंग इज मोर डेवलप इन पिजन, ठीक है। एंड अदर बर्ड्स इन कंपेरिजन टू लिजार्ड, ठीक है। अब लिजार्ड से कंपेरिजन कर रहे हैं ये अडेप्टेशन एक्वायर हुई हैं, ठीक है। एंड अब जो स्ट्रक्चर ऑफ एवियन जो मीन्स पिजन का जो ईयर का जो स्ट्रक्चर है दैट इज कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर में क्या प्रेजेंट है दैट इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, ठीक है। एंड ये किससे बाउंड है बाय इंटरनली बाय टाइटली स्ट्रेच मेम्ब्रेन दैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से क्या है ये अटैच है, ठीक है। एंड सेकेंड दैट इज मिडिल ईयर किससे फॉर्म है दैट इज टिम्पैनिक कैविटी, ठीक है। एंड टिम्पैनिक कैविटी किससे कवर है दैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एंड जो टिम्पैनिक कैविटी है उसके फ्लोर से क्या अराइज हो रहा है दैट इज यूस्टेचियन ट्यूब्स, ठीक है। एंड यहाँ पर एंड जो मिडिल ईयर है दैट इज इंटरनली बाउंडेड बाय ऑडिटरी कैप्सूल, ठीक है। एंड जो ऑडिटरी कैप्सूल है वहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है दैट इज फेनिस्ट्रा ओविलस, ठीक है। एंड जो सेकेंड है दैट इज फेनिस्ट्रा रोटुंडा, ठीक है। दिस इज फेनिस्ट्रा रोटुंडा एंड यहाँ पर सेकंड जो ऑर्गन प्रेजेंट है दैट इज फेनिस्ट्रा ओविलस, ठीक है। एंड इसका जो फंक्शन है
ठीक है, क्या है इसका फंक्शन, दैट इज कि जो साउंड वेव यहाँ से आ रही है उसका क्या करना है यहाँ पर, ठीक है, दैट इज फेनिस्ट्रा रोटुडा के पास इसका क्या करना, वाइब्रेशंस का ट्रांसमिशंस करना, ठीक है। एंड ये ट्रांसमिशंस किस ऑर्गन से हो रहा था, दैट इज कोलुमेला ओरिकस से, ठीक है। एंड जो थर्ड पार्ट है दैट इज इनर ईयर, ठीक है, इनर ईयर ये होता है दैट इज सॉफ्ट एंड इसका जो कलर होता है दैट इज व्हाइट, ठीक है। एंड इसको क्या बोला जाता है, मेम्ब्रेनियस लैब्रियंथ, ठीक है। एंड एंड इट इज सराउंडेड बाई जो ऑडिटरी कैप्सूल है उससे क्या है, सराउंड है, और इसको क्या कहा जाता है, बोनी लैब्रियंथ, ठीक है। एंड यहाँ पर भी क्या है, जो वाल लिजार्ड थी उसकी तरह ही क्या है, पेरिलिम्फ स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, और उसमें क्या प्रेजेंट है, पेरिलिम्फ प्रेजेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पर सेकंड जो फ्लूड प्रेजेंट है दैट इज एंडोलिम्फ, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन द एंडोलिम्फ कैविटी, ठीक है। और इसका जो सेंट्रल पोर्शन है दैट इज कम्पोज ऑफ वेस्टिब्यूल्स, ठीक है, वेस्टिब्यूल्स टू पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज यूटिकुलस, ठीक है, एंड सेक्युलस। दिस इज जो सेंट्रल रीजन है, दिस इज सेंट्रल रीजन, ठीक है, ये रीजन है दैट इज यूट्रिकुलस, ठीक है, एंड ये रीजन है दैट इज सेक्युलस, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, दैट इज सेंसरी स्पोर्ट, दैट इज मैक्यूला यूट्रिकुलस एंड मैक्यूला सेक्युलाई, एंड दिस इज क्लोइकुलर डक, एंड यहाँ पर जो प्रेजेंट है दैट इज मैक्यूला लैगिना, एंड दिस कन्वर्ट इन टू ऑर्गन ऑफ कोटाई, ठीक है। एंड ये क्या है, थ्री सेमी सर्कुलर डक, ठीक है, और ये कहाँ पर ओपन हो रही है, दैट इज इन यूट्रिकुलस, ठीक है, एंड दिस इज वेस्टिबुलर रीजन, ठीक है। दिस बल्गिंग रीजन, ठीक है, ये क्या है, एम्ब्यूला, ठीक है, एंड इनमें जो स्पॉट प्रेजेंट है दैट इज क्रिस्टा एम्ब्यूलरिस। नेक्स्ट जो ऑर्गन आता है दैट इज टैक्टिकल ऑर्गन, जो टैक्टिकल ऑर्गन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, टू द बिल एंड द टंग ऑफ पिजन, ठीक है, एंड ये जो होते हैं सॉफ्ट फोल्ड ऑफ स्किन, ठीक है, एट द बेस ऑफ अपर बीक इन द पिजन। ये किसके लिए, स्टूमलेस ड्यूरिंग लव मेकिंग, ठीक है, मींस ये स्टूमुलेटिंग इफेक्ट ड्यूरिंग लव मेकिंग, ठीक है। टैक्टिकल नर्व फाइबर आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द बेस ऑफ फीदर स्पेशली दोज ऑफ द विंग एंड द टेल, ठीक है, यहाँ पर भी ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गन होता है दैट इज गैस्ट्रेटरी, गैस्ट्रेटरी ऑर्गन किसके लिए होते हैं, दैट इज टेस्ट के लिए, ठीक है, यहाँ पर जो टंग पर क्या प्रेजेंट होती है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड जो टेस्ट होता है ये पिजन में कैसा होता है, पुअरली डेवलप। नेक्स्ट जो ऑर्गन होता है दैट इज ओल्फैक्टरी ऑर्गन, जो ओल्फैक्टरी किसके लिए होते हैं, सेंस स्मेल के लिए होते हैं, ठीक, सेंस ऑफ स्मेल के लिए कौन से ऑर्गन होते हैं, दैट इज ओल्फैक्टरी ऑर्गन, ठीक है। एंड जो पिजन में स्मेल के लिए जो ऑर्गन होते हैं दैट इज पुअर डेवलप, ठीक है। जो हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था उसमें स्टडी किया था कि जो ओल्फैक्टरी लोब थी वो कैसी थी, स्मॉल साइज की थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज यूरिनोजेनिटल सिस्टम, जो यूरिनोजेनिटल सिस्टम होता है दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, इसमें क्लोज होते हैं, ठीक है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा दैट इज मेल और फीमेल में क्या होगा, सेम होगा, बट जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा दैट मेल और फीमेल में क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव मेल यूरिनोजेनिटल सिस्टम, ठीक है। देखो यूरिनरी जेनिटल यूरिनरी सिस्टम होता है दैट इज इन पिजन में कैसा होता है, दैट इज यहाँ पर ये टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर एडेप्टेशन है, ठीक है, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। देखो जो पिजन होते हैं मीन जो बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, ठीक है, एंड फ्लाई में हेल्प क्या करेगा, यदि इनका जो बॉडी वेट है वो कम होगा तो दैट हेल्प इन फ्लाई शो, यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा यहाँ इसके कुछ अडेप्टेशन होंगे, ठीक है। पिजन इज विद यूरेटेलिक एक्सक्रीशंस, ठीक है, मींस यहाँ पर क्या है, जो यूरिक एसिड है क्या, यहाँ पर क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है। एंड जो क्लोएका है दैट इज थ्री चैम्बर, ठीक है, एंड जो क्लोएका का फंक्शन है कि ये क्या कर लेता है, जो वाटर है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। दैट इज जो क्लोएका के थ्री जो पार्ट है दैट इज प्रोटोडियम एंड यूरोडियम एंड थर्ड पार्ट इज नहीं दे रखा यहाँ पे। एंड नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर नेक्स्ट अडेप्टेशन है कि जो
यहाँ पर यूरिनरी ब्लेडर है वो क्या है, अब्सेंट है। ये अब्सेंट क्यों है, बिकॉज ये क्या, ये ट्राई करते हैं कि जो इनकी बॉडी वेट हो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है। सो यदि स्टोरेज ही नहीं होगा तो बॉडी वेट कैसा होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। एंड ये जो यूरिनरी सिस्टम है दैट इज कंपोज ऑफ किडनी, ठीक है, किडनी एंड यूरेटर्स एंड क्लोइका, थ्री पार्ट्स है एक्सक्रीटरी सिस्टम के, ओके। सबसे पहले दैट इज किडनी, किडनी किडनी वन पेयर किडनी प्रेजेंट होती है, ठीक है। एंड इसका जो कलर होता है दैट इज डार्क ब्राउन और फ्लैट एंड स्ट्रक्चर, और ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, दैट इज इन पोस्टीरियर डोर्सियल इन द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। एंड एक किडनी होती है, उसकी कितनी लोब होती है, थ्री लोब प्रेजेंट होती है, एंटीरियर मिडिल एंड पोस्टीरियर। एंड जो किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है दैट इज नेफ्रॉन, मीन्स यहाँ पर जो वर्क करेगा दैट इज नेफ्रॉन, ठीक है, या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। एंड जो किडनी का मेन फंक्शन है दैट इज एक्सक्रीशंस ऑफ यूरिन, ठीक है, मीन्स या ब्लड की क्या होगी, ब्लड का क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, और वहाँ ब्लड में जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट हो वो क्या होंगे, यहाँ पर रिलीज होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो यूरिन की फॉर्मेशन होगी दैट इज हाइपरटोनिक यूरिन, ठीक है। एंड जो हाइपरटोनिक यूरिन की फॉर्मेशन क्यों हो रही है, क्योंकि जो नेफ्रॉन है उसकी जो लूप ऑफ हैनली है वो कैसी है, लॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन, मीन सर्टेन सब्सटेंस का क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, और सर्टेन सब्सटेंस का क्या हो रहा है, सीक्रेशन हो रहा है, ठीक है। ये क्या बना देते हैं यूरिन को, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है एक्सक्रीटरी मीन्स यूरिनरी सिस्टम का दैट इज यूरेटर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक पेयर स्मॉल साइज नैरो स्ट्रेट और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो अराइज फ्रॉम वेंट्रल साइड ऑफ द एंटीरियर लोब ऑफ किडनी, ये कहाँ से अराइज होते हैं, किडनी से अराइज हो रही है, ठीक है। एंड ये कहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, रन स्ट्रेट बैकवर्ड फाइनली दी जो ओपन इन डोर्सल वॉल ऑफ मिडल चैम्बर ऑफ क्लोइका, ठीक है। ये कहाँ पर ओपन हो रहे हैं, क्लोइका में, और क्लोइका को कौन से रीजन में, दैट इज यूरेडियम में, ठीक है। एंड इसका जो फंक्शन है दैट इज ये जो हाइपरटोनिक यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है उसको क्या करें, कंडक्ट करें फ्रॉम किडनी टू क्लोइका, ठीक है। क्लोइका एंड क्लोइकल एपर्चर हम स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। ये इसके कितने रीजन होते, थ्री रीजन होते हैं, इसकी ओपनिंग होती है दैट इज क्लोइकल अपर्चर, वहां से क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। अब आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। देखो जो स्ट्रक्चर है दैट इज दिस, ठीक है, ये क्या है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस है, ठीक है, लेफ्ट टेस्टिस और राइट टेस्टिस, ठीक है। ये क्या है, वासा डिफरेंसिया है एंड दीज ओपन इन टू सेमिनल वेजिकल्स एंड क्लोइका, ओके। जो टेस्टिस होती हैं यहाँ पर वन पेयर प्रेजेंट होती है, एक लेफ्ट एंड एक राइट, ठीक है। एंड ये कैसी होती है, लार्ज साइज की होती है और इसकी जो शेप होती है दैट इज ओवल शेप, ठीक है। एंड ये कहाँ पर अटैच होती है, दैट इज वेंट्रल साइड ऑफ आउटर शैडो ऑफ एंटीरियर लोब किडनी, किडनी पर ये क्या होती है, अटैच होती है, ठीक है। जो टेस्टिस होती है उनका मेन फंक्शन होता है दैट इज कि यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होंगी, दैट इज स्पर्म की, एंड जो हार्मोन है मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन की क्या होगी, यहाँ पर फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ पर इनकी फॉर्मेशन कहाँ होंगी, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी, ठीक है, टेस्टिस में क्या होंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी, ठीक है। उनकी जो जर्म लेयर होगी, ठीक है, जर्म सेल से किसकी फॉर्मेशन होगी, दैट इज स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। एंड यहाँ पर जो लेडिक सेल्स होंगी वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। वासा डिफरेंसिया क्या होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये क्या, ये कहां पर प्रेजेंट होंगी, ये पोस्टीरियर रीजन ऑफ किडनी पर प्रेजेंट होंगे। इनका मेन फंक्शन होगा कि जो स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है या फिर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की फॉर्मेशन हो रही है उनका कंडक्शन कराना, ठीक है, इनटू द जो क्लोइका का यूरेडियम रीजन है वहां पर इनकी क्या होगी, ओपनिंग होगी, और ये क्या करेंगे, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन को क्लोइका में क्या कर देंगे, कंडक्ट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पेनिस एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज द डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट इज कंपोज ऑफ ओनली लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक, ठीक है। यहाँ पर एक ही ओवरी है एंड एक ही ओविडक्ट है, बट ये जो ओवरी और ओविडक्ट है दैट इज प्रेजेंट इन लेफ्ट साइड, ठीक है। दिस इज ओवरी, ठीक है, एंड दिस इज ओविडियल फनल, ठीक है। दिस इज ओस्टियम एंड दिस इज ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ लेफ्ट ओविडक्ट ऑफ मैग्नम, ठीक है। दिस इज मैग्नम रीजन, ठीक है। एंड इसके बाद जो रीजन आएगा दैट इज इस्थमस, ठीक है, ये रीजन दैट इज स्थमस, ठीक है। एंड ये हो गया हाइंड पार्ट दैट इज यूरेटर्स, ये कहाँ पर ओपन होगा,
दैट इज इन दी ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट, यहाँ पर क्या हो गया, ये क्लोइका है ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया जो यूरेटर है उसकी क्या होगी, ओपनिंग होगी ठीक है। दिस इज वजाइनल रीजन एंड दिस इज वेस्टिजियल और राइट ओविडक्ट, ओके ओपनिंग ऑफ यूरेटर्स ठीक है। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें कुछ अडेप्टेशन होती हैं ठीक है, और ये अडेप्टेशन ड्यू टू फ्लाइंग मोड ऑफ जो फ्लाइंग हैबिटेट्स है इसकी, इसके लिए एंड ये कैसे एग देती हैं, दैट इज क्लोडोइक एग्स ठीक है। एंड जो ओविडक्ट के डिफरेंट पार्ट हैं दैट आर स्पेशलाइज ठीक है, ओनली लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट आर फंक्शनल ठीक है, यहाँ पर ओनली लेफ्ट ओवरी और लेफ्ट ओविडक्ट क्या है, फंक्शनल्स है। राइट ओवरी क्या है, एबसेंट है ठीक है, वाइल राइट जो राइट ओविडक्ट है दैट इज वेस्टिजियल ठीक है। ये क्यों हो रही हैं, ताकि जो बॉडी वेट हो वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए ठीक है, इसलिए यहाँ पर ओनली 1% है ठीक है, पेयर में परसेंट नहीं है। जो फर्स्ट रीजन है दैट इज लेफ्ट ओवरी, लेफ्ट ओवरी में क्या होती है, दैट इज फंक्शनल ठीक है। एंड जो राइट ओवरी होती है वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट ठीक है। जो लेफ्ट ओवरी होती है दैट इज लार्ज साइज इरेगुलर शेप्स, एंड ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ऑन दी वेंट्रल साइड ऑफ आउटर बॉर्डर ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ लेफ्ट किडनी। एंड ये किससे अटैच होती है, बाई मिजोरियम ठीक है, ये क्या है, टिश्यूज हैं ठीक है, मिजोरियम से क्या होती है, अटैच होती हैं ठीक है। अब ओवरी के बाद जो नेक्स्ट रीजन आएगा दैट इज लेफ्ट ओविडक्ट ठीक है, ये क्या होती है, म्यूलेरियन डक्ट होती है, दैट इज लेफ्ट ओविडक्ट ठीक है। एंड ये क्या होती है, इसके डिफरेंट पार्ट प्रेजेंट होती हैं, दैट इज फैलोपियन फनल और इन्फेंडिबुलम जो फर्स्ट रीजन होगा ठीक है, सेकेंड इज मैंगियम एंड थर्ड इज स्थमस और फोर्थ यूरेटर्स एंड फिफ्थ इज वेजाइना ठीक है। दिस इज फैलोपियन ट्यूब, सेकेंड इज मैगियम ठीक है, दिस इज मैगियम ठीक है, थर्ड इज स्थमस एंड फोर्थ इज दिस इज यूरेटर्स एंड फिफ्थ इज वेजाइना ठीक है, एंड दैट लास्ट ओपन इन टू दी क्लोइकल ठीक है। नेक्स्ट आता है कोपुलेशन एग लेइंग एंड डेवलपमेंट, कोपुलेशन और फर्टिलाइजेशन के आता है, जो ब्रीडिंग सीजन होता है दैट इज स्प्रिंग और समर होता है ठीक है। एंड ये कौन सा बिहेवियर शो करते हैं, दैट इज काउटरशिप ठीक है। एंड आफ्टर कोपुलेशन जो फर्टिलाइजेशन होगा दैट इज इंटरनल ठीक है। एंड ये कैसे होते हैं, एग लेइंग होते हैं ठीक है, मींस जो मोस्ट एव जो होते हैं दैट इज ओविपेरस ठीक है। डेवलपमेंट कैसे होती है, दैट इज डायरेक्ट ठीक है, मींस यहाँ पर लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है, डायरेक्ट जो एग से क्या यंग वन हैच आउट होता है ओके okay?